लाओ काटिए 2000 का नोट। मैं क्या करी भाभी फिर अभी नहीं रहा कल वरू बोलो बोलो नहीं बड़ा कर लंबा लंबा करके लगा दे आलू को पाचे दे दे जीजी को बन गई। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मेरा भाई आया था, मेरी भी भाई दोज हो गई, चला गया वो, क्योंकि दीदी के जाना था, वो वहाँ पे चला गया। अपने लिए भी कर ली, आओ मुंह मीठा कर लो भाई, मैं भी मुंह मीठा कर लूँ, आप सब भी कर लो। का खा रहे हैं? पन्नी की मिठाई ले ली सारी, अब खा रहा। जीजी को भी दे दो, जीजी को भी दे दो थोड़ी सी, दे दे कितने साथ जाऊंगा। अभी यहाँ पर जो है ना, ये कायरव जो है ना खेल रहा था, तो देखिए पूरे बेड पर किस तरह के पिलो मतलब बखेर रखे हैं, और ये टेडी वगैरह सब मैंने आज यहाँ पर लगा दिए थे, क्योंकि जब भी मैं लगाती हूँ ना ऊपर नीचे कहीं भी अलमारी में, तो सारे यहीं मंगा लेते हैं। अब देखिए लगाते एक साथ ही सारे इकट्ठे कर लिए, अपने ऊपर गिर के लेट जाएगा। मतलब मैं तकिए बार बार इकट्ठे करके एक साइड कोने में लगा देती हूँ, ये चादर है ना कुछ इस तरह की, सिमट जाती है एकदम, सारी इकट्ठा हो जाती है। बस वो अपनी खेल में लग रहा था, तो इसको थोड़ा सा सर में तेल डालना था, मुझे सोची थी किसी तरह बस ये रुक जाए, पर नहीं, जब उसने दिखा ना मम्मी तेल डालने वाली, तो फिर ये देखो इसके खेल शुरू हो गए। जल्दी सी सर में तेल नहीं डलवाता, उल्टा पलटा बंदर की तरह लेता ही रहा, इतने में इधर आ इतने पर जा लिया, वो लोअर उठा के धरा, ये देखो ये हाल है इसके, यही रखता है ये, एक मिनट में कहीं तो एक मिनट में कहीं। जब ये पैंट वगैरह मतलब मैं इसकी चेंज करती हूँ ना, मिट्टी वगैरह में कर दे, तो मैं इसकी जब पैंट उठा के लाऊंगी, तो बैठ के उठले कोने से परले कोने में पाएगा कि मम्मी तेल गिरी, ये देखो उतर लिए बाबूजी। अभी यहाँ से मुझसे पूछा था मम्मी खेल लूँ, मम्मी खेल लूँ, मैं कहा बेटा खेल लो, ये देखो ये रहता है, मन लगा रहता है मेरा भी बहुत। एक छोटी सी तकी है उसको लेके करता रहता है, मम्मी फेंकूँ, मम्मी फेंकूँ, मैं कहा फेंक दो। अभी देखो वही उठाइए, इसको उठा के बोलता है मम्मी फेंकूँ, मैं कहा फेंक दो बेटा, ये देखो खेल रहा है। यहाँ पर मैं कपड़ों की तय बना रही थी, जी हाँ कपड़े तो रोज़ धुल रहे हैं, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, एक बार सुबह को एक बार शाम को, दिन में 2 बार कपड़े धुल रहे हैं, क्योंकि सुबह को मतलब कायरव के बहुत सारे हो जाए अवनी के, फिर रोज़ हमारे निकलें, ये देखो दिन में को 2-2 जोड़ी मेरे भी निकल जा। अवनी ने आज गर्म बनियान पहना, ऊपर से पुरसेट पहनी थी, फिर बोली मम्मी गर्मी लग रही है, और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, फिर आई हूँ मैं बाहर की साइड, ये देखिए कायरव गाड़ी चल रखी सुन, सैंडल भी नहीं पहन रखे, क्या हो गया, चलाओ कुछ नहीं उड़ रहा, चलाओ 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 चलाओ। तो आज है भैया दूज, मेरे होठ में दांत लग गया बहुत तेज, यहाँ पे बहुत दर्द हो रहा है, आज है भैया दूज,
और मेरा भी मतलब बड़े वाला भाई आया था और वो मतलब दूज करवा के चला गया, और छोटे वाला भैया जो है मतलब जो यहाँ था उसको कॉल करी, उसको बोला भाई तू आ जा आज भाई दूज है, और मतलब मुझे तेरी याद भी आ रही है, और सब लोग कमेंट कर रहे कि अपने भैया को बुला ले अपने भैया को बुला ले, तो मैं उसको बोल रही कि तू आ जा भाई मेरा भी जी नहीं लग रहा, जब से वो गया है ना मेरे घर की रौनक सी चली गई, मेरे चेहरे पर हंसी सी नहीं है ना, मेरा वीडियो बनाने को मन कर रहा ना, कुछ दिख सी रहा घर में, अधूरा सा लग रहा, ऐसा लग रहा कि पता नहीं कुछ खो गया, पता नहीं क्या दूर चला गया, मतलब मन लग रहा था मेरा बहुत, मुस्कुरा रही थी हंस रही थी। फिर कुछ लोग बोलते हैं कि बस भाई का जी कर रखते हैं, देखिए जो कोई रहता है ना पास में वो एक अलग बात, जब चला जाए तो उसकी कमी सी महसूस तो होती है, वही हो रहा है, वो चला गया मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी, अपसेट सी हूँ थोड़ा सा, नर्वस सी भी हूँ, बस उसको बोल रहा था देखिए शाम तक आएगा या नहीं आएगा, मैं बोल रही हूँ एक दो दिन और रह ले फिर चला जाइए, मैं अकेली सी हो गई हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी फिलहाल, तो मेरा मतलब आज पता नहीं क्यों मन भारी सा हो रहा अपने आप ही ऑटोमेटिक ही, एक अंदर उदासी सी है, खुशी सी नहीं है, पता नहीं क्यों आंखें भर रही हैं, कल भी ऐसे ही मैं रोने लगी थी और आज भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, बस बैठी थी सोच रही थी, जी नहीं लग रहा बिल्कुल भी, मन कर रहा कि कहीं चले जाऊँ घर से, यहाँ से कहाँ जाऊँगी, एक कमेंट आ रहा था कि अपने घर की परंपराओं को क्यों कर रही हो तुम, तो हमारी जो है थोड़ा सा मैं बता दूँ, हमारी जो चाची सास थी ना उनकी डेथ होगी, इसी वीडियो में बता देती हूँ मैं ये बात, जो हमारी चाची सास थी बीमार थी वो उनकी डेथ हो गई है, वो अब हमारे बीच नहीं रही बेचारी, तो देखिए अपने मतलब एक पल में आदमी की सांस जो है फूंक सी सरक जाती है, एक पल लगता है और मिट्टी पड़ी रह जाती है, फिर उसको कोई जलाओ दफनाओ ना दफनाओ, कोई कटर में फेंको, कोई कुछ करो, कुछ पता नहीं, तो यही है क्या है क्या रखा है ज़िंदगी में भाई, अच्छा बर्ताव करो, अच्छा बोलो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, किसी का बुरा मत करो, बस यही है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए, आज मैं बैठी हूँ कल पता चला कि मैं ही मर गई, कुछ पता नहीं लगता समय का, तो वही बात है, छोटी मोटी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं, उनको इतना सीरियसली भी नहीं लेना चाहिए, रही परंपराओं की बात, ये लोग जो आज समाजी होना वो देवताओं को भी नहीं पूजते, मंदिर भी नहीं जाते और ये सब चीज़ें भी नहीं करते, ठीक है ना, अब यहाँ परिवार में सब ये चीज़ें कर रहे हैं तो हम लोगों ने भी की, क्योंकि जितने भी परिवार के घर है सब मैं को उधर डालनी शुरू होगी, ये बात मैंने वीडियो में बताई थी, तो फिर हमारा ही घर क्यों छेका जाए भाई, हम ही क्यों इस चीज़ की आन करें कि भगवान की पूजा करते, क्यों गोवर्धन भगवान नहीं है, गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण जी ने उंगली पर उठाया था, तो ये भी तो कृष्ण जी से जुड़ी हुई चीज़ है, तो मैं नहीं मानती कि मैंने कोई परंपरा का उल्लंघन किया है, क्योंकि इन लोगों को कोई ऐतराज नहीं हुआ कि डाली है अच्छी बात है, जिनके परिवार के सारे घरों में डलती है, हम ही क्यों ऐसा करें अपना शुभ ना मनाएं, ये भी तो भगवान ही है, हाथ जोड़ा इससे अगले साल इससे भी ज़्यादा अच्छी मने, बिगड़ी हुई चीज़ें सुधर जाएं, धीरे धीरे सुधर रही है और सुधर जाएं, सब कुछ अच्छा हो जाए, पूरी फैमिली के साथ पूजूं मैं, तो बस यही दुआ कीजिए आप लोग। तो बेचारी चाची सास ने 2 महीने से बहुत बीमार थी बता दो, थोड़ा सा तो वो हम लोगों के बीच अब नहीं रही, तो उनका भी थोड़ा सा दुख हो रहा है, जब अपने चले जाते हैं ना तो देखिए अभी सामने आपके मैं हूँ, आप मुझे खूब गाली दो, खूब गाली दो, खूब कुछ भी बोलो, कल जब मैं ना रहूँ ना तो आप अरे यार वो तो अच्छी थी, ये थी वो थी, हमारे बीच नहीं रही, कभी नहीं दिखेगी, अपने एक पल में चले जाते हैं और फिर वो हम लोगों को कभी नहीं दिखते, कभी नहीं दिखाई देते, हमारे बाबा जी हम चले गए अब वो हमें कभी नहीं दिखेंगे, तो वही बात है, पता नहीं आंखें क्यों भर आती है बार बार बातें बोलने में, तो एक पल में आदमी की फूंक से सड़ जाती है, सांस निकल जाती है, मिट्टी पड़ी रह जाती है, तो बस इस दुनिया में रहना, हंस के बोल के मुस्कुरा के खुशी खुशी रहो, अच्छे रिश्ते नाते बना के रखो, लड़ाई बिड़ाई हर घर में होती है, उनको इतना सीरियसली मत लो, और जो लाइफ में लिखा है ना, जो किस्मत में लिखा है उसे कोई नहीं पलट सकता, जो उसने लिख दिया होगा वही जो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, जितना मेरी किस्मत में दुख भोगने लिखे हैं ना मैं भोगूंगी, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और जिस दिन मेरी किस्मत में सुख होगा उसमें कोई हाथ नहीं हटा सकता, उसकी मर्जी होगी, जब मेरा सुख का दिन आएगा उसकी मर्जी से आएगा, अभी मेरे दिन अच्छे नहीं है तो वो भी उसकी मर्जी है, पता नहीं कौन से कर्मों की सजा भुगत रहा आदमी, कुछ पता नहीं, 84 लाख जूनी के बाद एक इंसान की जूनी मिला है, और उस जूनी में पता नहीं 84 लाख जूनी में कितने हमने अच्छे कितने बुरे कर्म करे जिनका फल हमें यहाँ भोगना पड़ रहा हो। मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, ख़त्म नहीं होनेगी, मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर के बाद, बच्चों की मस्ती दिखाती हूँ थोड़ी सी, हाथ में दर्द हो रहा है।
पता नहीं कट्टे में कैसी चोट लगी कैसी नहीं है, बहुत दर्द है। अरे रात को बंद ही जा गर्म पट्टी, दिन में तो बंद ही नहीं जाती, काम इतना रह रहा है, बहुत दर्द है मेरे कट्टे में, क्या हो गया। अभी यहाँ पर है ना, मैंने कुछ बर्तन साफ करे थे तो वही बर्तन मैं लगा रही थी। सच में मुझे अभी अपना किचन बहुत सुंदर लग रहा है, और भैया आके चले गए तो ये मेरे किचन के या चुन्नी स्टॉल वगैरह ये सब मैंने किचन के बना रखे हैं, बर्तनों के टोकरे पे ढकने के, कहीं आटे के उस पर ढकने के लिए। गैस पे आप लोग मना करते हो, इधर उधर हो रहा था सारा सिस्टम सही। त्योहारों में ना काम ज़्यादा फैल गया, दो तीन दिन पकवान पूरी वगैरह बनाने का काम ज़्यादा रहा, तो इस वजह से थोड़ी सी। और जो हमारा आटा घालने का कुआ है ना, वो भी मैंने साफ करा उसमें ना, पता नहीं ये पिराई वगैरह बहुत जल्दी हो जाती है, मैं तो बहुत थोड़ा थोड़ा लेती हूँ। मतलब भाई वहाँ पे चक्की वालों का काम, चक्की वालों का जो काम है, मतलब वहाँ खूब सारा आटा रहता है, हो जाता है अक्सर ऐसा, तो मैं थोड़ा थोड़ा ले आती हूँ। बोल रही कि यहाँ भी हो जाती है, ये कुछ मौसम इस तरह का चल रहा है, अभी थोड़ी हल्की सर्दी होनी स्टार्ट होगी, फिर आगे आगे ठीक रहेगा। अभी थोड़ा जैसे जैसे समय के गैल फ़र्क पड़ता जाएगा वैसे सब ठीक होता चला जाएगा। और यहाँ मैं एक एक करके सारे बर्तन लगा रही हूँ मैं, ये डब्बा भिगोने पतीली ये सब तो मैं उसमें, ये ऊपर चाले के ऊपर टोकरा रखकर उसमें रखती हूँ, ये चावल छानने की छन्नी ये सब उसमें रखती हूँ, छोटे छोटे कटोरी वगैरह इसमें रखती हूँ। तो अभी यहाँ मैंने इसको है ना इस पर ढक दूँगी, ये जो आगे दो तीन स्टॉल वगैरह से चुन्नी वगैरह रखी हुई ये सब हटा लूँगी, इनको तय बना के साइड में रख लूँगी क्योंकि ये मेरे यूज में आने वाले हैं। और इसको अच्छे से ढक देते हैं जी। हाँ इसमें बड़े बड़े बर्तन हैं, छोटे छोटे बर्तन टोकरे में लगा दिए। और ये मेरे को है ना आटा घालना है, ये टमाटर लिए थे ये भी यहीं रखे हैं। आटा जो है मैंने यहाँ ये रख रखा कुआ जहाँ मैंने पहले सिलेंडर रख रखा था, यहाँ पे मैंने इसको रख रखा है और इसमें मैं आटा घाल लूँगी। तो मैं चक्की पे से अभी क्या कर रही हूँ ना, पिसा पिसाया आटा लेकर आई थी, तो इसको मैंने फ़िलहाल मैंने कुआ साफ़ किया था, इस वजह से मैंने भगोने में रख रखा था इस बड़े वाले में। फ़िलहाल टंकी में कर देते हैं इसको, और ये छन्नी भी इसमें रख देंगे, इसको ढक देते हैं। मेरे को भी अपना किचन सच में बहुत सुंदर लग रहा है, अब ज़्यादा सुपर लग रहा है पहले से ज़्यादा, पहले इतना खास नहीं लग रहा था। अभी फ़िलहाल बस आटा घाल दिया है, और यहाँ पे ना स्लिप को थोड़ा सा साफ करना है मेरे को। अभी यहाँ वैसे तो स्लिप है ना साफ पड़ा था, पर फिर भी मतलब थोड़ा बहुत बर्तनों का पानी वगैरह खिंड रहा था कुछ है ना, जैसे बच्चे पानी उन्हें पीने आते हैं बर्तन कहीं भी टेक जाते हैं तो मतलब पन्नी पे निशान से पड़ जाते हैं, वही मैं साफ़ करी थी। अजीब सी लगते हैं पता नहीं क्यों। फिलहाल ये चुन्नी दुपट्टे जो मैं मतलब इस्तेमाल करती हूँ किचन में, मैंने फ़िलहाल यहीं रख दिए इधर कुछ चेयर पर, मैं बाद में तय बनाऊँगी, पहले स्लिप को साफ़ करती हूँ। सिलेंडर थोड़ा सा इधर को कर देते हैं, और ये इस पर रखी हुई है परात, ये भी उठाऊंगी, यहीं पे मुंदी लगा दी थी मैंने ये कैंपर पे। और ये कैंपर जब से नीचे रखा है ना, कायरव को भी खोलना आता है, पानी निकालते हैं फिर उसे बंद नहीं करना आता है, यहाँ गीला हो जाता है। देखो आप देख रहे हो हल्के हल्के गीलेपन के निशान, अब कोई सा बच्चा पानी पी के गया होगा तो गिलास यहाँ रखा है। बस यही है बच्चों का, मतलब मिनट मिनट में पानी पीते हैं, कभी गिलास में कभी कटोरी में, तो स्लीपर रखते हैं ना तो निशान से पड़ जाते हैं, अजीब लगता है। ये गैस के जो बर्नल है वो मैंने उतारी, ये देखिए आ गया है मेरा भाई वापस। जी हाँ मैंने इसको कॉल की थी कि आ जा, मैं इसको मिठाई खिला रही हूँ एक बार इसकी तरफ को कर दूँ, एक बार अपनी तरफ को मजाक कर रही थी, इतनी मस्ती तो चलती है। देखो इसको भी इतना सीरियस मत लेना आप लोग अब जा। और मैंने फ़ोन किया तब आ गया, मैंने मिठाई दी, बस कह रहा बस गोला कह रहा रख दे, मैंने कहा नीले तेरा गोला ले ले भाई। और इसने मेरे को देखो दोज में पैसे भी दिए है, बुलाए से आया मेरा। आप लोग बोल रहे थे कि भाई अपने भैया को बुला लो, अच्छा लग रहा था आप दोनों बहन भाई का प्यार, आपने क्यों भेज दिया लोगों, कैसे आप अपने रिश्ते ख़त्म कर दोगे क्या,
या जो लोग आपको बोलोगे आप वही करोगे, ऐसा नहीं करना था, वो सारी कमेंट्स मैंने पढ़े। फिर मैंने सोचा कि बुला लूँ मैं अपने भैया को, मेरा भी मन नहीं लग रहा था। तो वो आ चुका है और यहाँ पर मैंने ना गैस पर रखा है फ्राई पैन, और मैंने प्याज काट के रखी हुई है जी हाँ, थोड़ा सा जीरा डाला है, कलर वाली मिर्च, धनिया, नमक डालना है अभी, ये दोनों चीज़ें डाल दी हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं प्याज की, अच्छे से भून के प्याज के पराठे बनाएंगे आज हम। ये देखिए बनकर रेडी हो चुके हैं। इस वीडियो का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।